सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ब्लॉग के साथ गाइस, और आज फाइनली जो है आपने लास्ट ब्लॉग देखा होगा कि मैं आया था पुणे, और अभी मैं जा रहा हूँ हमारे सत्यम भाई को मिलने। तो आपने कुछ पिछले ब्लॉग्स में जो है सत्यम भाई को देखा था, यहाँ पर अभी मैं पिक डाल दूंगा। तो ये भाई पुणे में, तो यहाँ से लगभग कुछ 13 या 15 किलोमीटर है, तो उसको भाई मिलने हम जाने वाले उसके घर। तो अभी चलिए फटाफट, अभी मैं रेडी हो चुका हूँ और अभी टाइम हो रहा है भाई 5:30 बज रहे, तो अभी फटाफट देखते, और आधा एक घंटा लगी है, तो अभी चलिए फटाफट अभी मोटो ब्लॉग भी बनाऊंगा मैं, तो अभी चलिए निकलते और सीधा मैं बाइक पे मिलता हूँ। चल सो हे गाइस, तो यहाँ पर अभी आप मेरा लुक देख सकते हो भाई, पूरा ब्लैक ब्लैक, और नीचे शूज़ भी वाइट है। और अभी मैं मोबाइल पे इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हेलमेट पे यहाँ पर अभी लगाया हुआ है भाई कैमरा। तो अभी सीधा मिलता हूँ मैं अभी बाइक पे। चल थंबनेल। तो अभी फाइनली जो है यहाँ से मैं निकल रहा हूँ, तो यहाँ पर अभी भाई धूप वगैरह भी है बहुत, तो अभी देखते हैं भाई कितने देर में पहुँचते। तो भाई का घर जो है यहाँ पर अभी 13 किलोमीटर बता रहा है, तो देखेंगे भाई कितना देर लगता है यहाँ से जाने अभी हमें। तो मैं तो पूरा भाई जैकेट वगैरह डाल के पूरा पैक हो चुका हूँ, क्योंकि जो है काला नहीं पड़ना है भाई, वैसे भी काला ही हो और फिर भी काला नहीं पड़ना है। तो यहाँ पर अभी आप सोसाइटी देख सकते हो, इतनी बड़ी भाई सोसाइटी है, और यहाँ से भाई पार्किंग नीचे ऊपर रहता है, तो इसलिए इसकी वजह से। और यहाँ से अभी हम निकल रहे और देखते हैं भाई आज का। सो हे गाइस, अभी फाइनली मैं जो है रोड पे तो आ चुका हूँ, और अभी जो है मैंने भाई रुक जाओ, लाइसेंस का भाई पैकेट लिया कि नहीं, हाँ ले लिया है, क्योंकि भाई मैं पूरा डॉक्यूमेंट जो है मैं हमारे बैग में ही निकाल के रखा हुआ था, तो इसलिए चेक किया कि लाइसेंस वगैरह लिया हुआ है नहीं। तो भाई हमारे लिए नया गाँव है यानी कि शहर है, तो इसलिए मैं गाड़ी भगाऊँगा नहीं ज़्यादा, स्लो स्लो ही जाऊँगा। और मैप की ज़रूरत तो मेरे को पड़ेगी, क्योंकि भाई मेरे को इसका घर भी मान लिया, कुछ भी मान लिया, मैं मैप के भरोसे जा रहा हूँ, और कहाँ कहाँ से भाई मैप लेके जाने वाला है वो भी देखेंगे। तो कोई नहीं भाई, तभी चलो फटाफट अभी। और गाइस, अभी आप भी भाई फर्स्ट टाइम अगर ऐसे बाहर गांव में या तो पुणे या मुंबई में आओगे, तो आपको भी इसका ख्याल रखना है कि जो है छपरी लोगों से भाई दूर रहना है, जो कि बाइक्स जो है टेढ़ी मेढ़ी चलाते हैं, क्योंकि भाई कब कोई बीच में आ जाए मालूम नहीं। और अभी भी देख लिया आपने कि मेरे को भाई आगे जाने नहीं दिया ये टेम्पो वाले ने, तो यहाँ से अभी मेरे को लेना है भाई राइट। तो ये यहाँ का हंडियावली चौक, तो यहाँ पर भाई डीमार्ट वगैरह भी है, तो इसी डीमार्ट में हम शॉपिंग करने आते हैं भाई, कुछ भी लेना होगा तो। अभी मेरे को तो कुछ ज़्यादा यहाँ का मालूम ही नहीं है, तो इसलिए जितना हो सकता है उतना मैं आपको ट्राई करूँगा थोड़ा थोड़ा बताने का। तो आप भी अगर जो है फर्स्ट टाइम अगर तो मैं आगे आ चुका हूँ, और भाई बाइक का 2-3 दिनों में भाई बाइक स्टार्ट नहीं की है, तो आपको आवाज़ सुनाता हूँ, अभी सुनो भाई। तो भाई सुन लिया आवाज़, जो भी खाली रोड था इसलिए मैंने भगाया भाई, आपको साउंड सुनाना था इसलिए। और भाई रिएक्शन भी भाई बहुत तगड़े आते, एकदम भाई सादी गाड़ी है अपनी, ज़्यादा कुछ इसको भाई एग्जॉस्ट वगैरह भी नहीं है, तो इसकी वजह से भाई जो है बहुत तगड़ा वाला साउंड आता है, कुछ ज़्यादा भी हमने इसको भाई मॉडिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं लगी भाई इसकी वजह से। तो यहाँ पर अभी ट्रैफिक वाले भाई रुका रहे हमको, तो यहाँ पर अभी
ट्रैफिक है तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो, अगर आपको पूना में रहना है तो भाई ऐसा गाड़ी चलाना सीखना चाहिए जहाँ पर भाई आपको अपनी अपनी गाड़ी भाई निकालने को जमना चाहिए बस। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हो, अगर निकाल पाओगे तो भाई आप परफेक्ट ड्राइविंग सीख चुके हो। और जो है यहाँ पर भाई रिएक्शन जो है, मेरे को भी क्या बोलूँ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत अभी रेस करने के बाद जो है यहाँ पर भाई मुड़ के देखते ही है भाई सभी लोग। और एक तो ये भाई, तो आपको मैं वो दिखाऊंगा आगे, तिथे चालू है बरोबर वो, थाम दोन मिनट पोचतो तिथं, खाली येऊन फोन करू का मग बरोबर, काय मरदा घरी टाइम जाणार भाई। सो गाइस, तो अभी फाइनली हम सत्यम भाई पास पहुंच चुके। तो भाई इसको भाई आपने पिछले व्लॉग्स में भी देखा होगा। तो अभी चलिए, अभी ये भाई ज़बरदस्ती हमको भाई ऊपर घर पे लेके जा रहा है। तो अभी यहाँ पर सत्यम भाई है, तो अभी देखते हैं अभी हम बाहर कहाँ घूमने जाते हैं। तो अभी चलिए फटाफट में बांध में मिलते। हाँ, ओ अपना क्या बोलते हैं इसको, आदिल आता तो भाई उसका कुछ अलग मार्केट है या लड़कियों का मार्केट है वही समझ नहीं। दोनों सेम है क्या? सेम। हाँ, एक तरह का स्वर्ग शीला। तेरे को स्क्रीन शॉट बांध में डाल देता हूँ। लेकिन ऐसा हाथ वगैरह लग जाएगा ना लड़की का, मेरे को इतना तकलीफ होता है ना ऐसा, इसकी मार बन गई। बराबर घूमते घूमते ना व्लॉग भी बनाना जरूरी है। वही खाना वही है, तो खाना का हाँ, पेट पेट तो उसी से चल रहा है। टाइम का हवा तो लगता है, लगता है हवा इधर आ रहा है। अरे एसी चालू है। क्वालिटी
अभी हम जो है सत्यम भाई के घर पहुंच चुके, तो अभी यहाँ से मैं अभी फटाफट निकलता हूँ अपने घर। अभी देखते हैं, अभी टाइम हो रहा है 10:15 बज रहे, और अभी देखते हम पहुँचते भाई कितने बजे, तभी सीधा घर जाके मिलता हूँ। बाय सत्यम भाई, बाय, चलो मिलते हैं फिर। अभी हम संडे दिन, संडे को भाई, संडे को भी जाने वाले बाहर, तो अभी चलिए तब सीधा मिलते हैं। सो ही गई, तो अभी फाइनली जो है मैं घर आ चुका हूँ, और अभी टाइम हो रहा है भाई 12:30 बज रहे, यानी कि 12:45 बज रहे, और अभी जस्ट मैंने भाई पूरा व्लॉग जो है एडिट कर लिया है, और यहाँ से आगे भाई अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने बाकी है अभी। तो अभी चलिए जो है आज का व्लॉग जितना हो सकता था भाई मैंने कवर किया, FC रोड पर भाई जितना हो सकता था उतना शूट किया, और जो भी शूट किया था वो मैंने डाल दिया है, तो आपने देख लिया होगा। तो अभी चलिए फाइनली जो है अभी मैं घर आ चुका हूँ, तो अभी भाई भाई मैं सोऊंगा भाई, बहुत तगड़ी वाली नींद आ रही मेरे को। तो अभी चलिए बिना टाइम वेस्ट करे भी ये ब्लॉग एंड करते। सो आई होप गाइस आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय गाइज़।